क्या आप जानते हो रिम लाइटिंग क्या होता है? प्रोडक्ट या किसी भी अपने सब्जेक्ट के जो एजेस पे लाइट आता है उसको बोलते हैं रिम लाइटिंग। उसके लिए लाइटिंग सेटअप क्या होता है, आइए चल के देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, फोटो पाठशाला का एक और चैप्टर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि रिम लाइटिंग क्या होता है। तो ये दो लाइट मैंने सेटअप कर दिया है अपना जो प्रोडक्ट है उसके बैक साइड पे। चलिए एक शॉट लेके देखते हैं। देखिए ये पहला शॉट आ गया अपना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये मैंने रख दिया इस पे वाइन का ग्लास। एक शॉट लेते हैं, खाली ग्लास बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसको चलिए फिल करते हैं। ये है फूड कलर, एक शॉट लेते हैं। ये हो गया अपना रिम लाइटिंग। दोनों तरफ से लाइट आ रहा है, प्रोडक्ट के सामने से कोई लाइट नहीं है। इस शॉट को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जो पीछे का बैकग्राउंड है उसको थोड़ा लाइट करते हैं। उसके लिए यूज करने जा रहा हूँ ये वाली मैं लाइट। ये वाली लाइट आइडियली मुझे यहाँ पे कहीं पे रखना चाहिए, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए इधर से मैं क्या कर रहा हूँ, इस एरिया को लाइट अप कर रहा हूँ। प्लस मैं ये ध्यान रख रहा हूँ ये जो लाइट है अपने इस लाइट और सब्जेक्ट के बीच में ना आए, नहीं तो फिर एक डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा सब्जेक्ट पे। तो ये मैंने थोड़ा पीछे रखा हुआ है। चलिए एक शॉट लेते हैं। देखिए जो हल्की सी लाइट है ये उससे काफ़ी डिफरेंस आ गया है। एक काम और कर सकते हैं, ये बैकग्राउंड जो है अभी ग्रे कलर है, इस लाइट पे हम लोग अगर रेड जेल लगाते हैं तो शायद और भी इंटरेस्टिंग हो जाए। मैं ये रेड जेल इस लाइट पे ऐड करने जा रहा हूँ। एक शॉट लेते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा आ गया, काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉट हो गया। तो दोस्तों ये था अपना चैप्टर रिम लाइटिंग के लिए। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक दबाएं। थैंक यू।